Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I am Srikant Kalingar. Friends, in last video lecture, I have discussed questions from question 1 to 20. And in this video lecture, I am going to discuss with you remaining questions. Question number 21 to 30. Or MCQ type, where only one answer is correct. Each question carries 2 marks. इसमें एक ही answer correct होगा और हर questions 2 marks को रहेगा. चलो start करते हैं. Question number 21. Which of the following sociological perspective view society as a system of interdependent and coordinated parts? Take your time. The correct answer is functionalism. Friends, जब भी आपको functionalism के ऊपर question आता है तो एक चीज आप आपके mind में clear रखिए, जो यहाँ पे आपको मैं discuss करने वाला हूँ अभी, जैसे एक structure है. For example, ये body का structure है, जैसे कि लेग्स है, हैंड्स है, हेड है, नोज है, आईज है, ईयर्स है और अदर बॉडी ऑर्गन्स होंगे. तो ये सब बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटेड भी एक दूसरे के साथ है. आंखें देखते हैं तो हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, कानों से सुनते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं. उसी तरह फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आपको यह कहता है कि सोसाइटी जो फंक्शंस हो रही है तो उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस है, लाइक फैमिली का इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटी है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, ये सारे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और कोऑर्डिनेटेड है. इसमें जितने भी पार्ट्स है, हर एक पार्ट्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरा पार्ट्स इम्पोर्टेंट है. तो यह एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है, ठीक है. ये फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव आपको बताता है. तो बेसिकली हम इसमें ऑगस्ट कॉम्टे को पढ़ते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ते हैं, फिर टॉलकॉट पासन, डेविस एंड मूरे को पढ़ते हैं, रॉबर्ट मर्चन को पढ़ते हैं और पॉवेल को भी पढ़ते हैं. तो ये आप ध्यान में रखिए. सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22. द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटस समेशन इज एसोसिएटेड विद, टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज द क्लोज सिस्टम ऑफ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन. द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटस समेशन ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो आंसर है क्लोज सिस्टम ऑफ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन. कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन का क्लोज सिस्टम है, उससे स्टेटस समेशन यह एसोसिएटेड है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडविन डी ड्राइवर ने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है. इन्होंने क्लास, कास्ट एंड स्टेटस समेशन इन अर्बन साउथ इंडिया, ये बुक लिखी है, फेमस बुक है, नोट डाउन कीजिए. क्लास, कास्ट एंड स्टेटस समेशन इन अर्बन साउथ इंडिया, इस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है. क्वेश्चन नंबर 23. द सचर कमिटी वाज सेट अप टू, टेक योर टाइम. The correct answer is the Satcher committee was to set up to study the social, economic and educational condition of Muslim in India. Friends, 2005 में then तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक हाई लेवल कमिटी गठित की थी जिसके चीफ
फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ थे राजेंद्र सचर, वो इस कमेटी के हेड थे, तो उनके नाम से ही सचर कमेटी मुस्लिम समाज का समाज में सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन उनकी क्या है समाज में, इसका स्टडी करने के लिए सचर कमेटी गठित हुई थी। ये लिख लीजिए कब हुई थी, 2005 में, क्वेश्चन में पूछ एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ट्रायंगुलेशन इज ए, टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रिसर्च मेथड टू स्टडी द सेम फिनोमेना। फ्रेंड्स, रिसर्च मेथड में बेसिकली ट्रायंगुलेशन एक ऐसी मेथड है, उसमें हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर सोशियोलॉजिस्ट अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स गो रॉन्ग, फॉर एग्जांपल क्राइम, अंडरस्टैंडिंग इज ए, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको सोशल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। सोशल प्रॉब्लम तो जब थीसिस वो प्रेजेंट करते हैं सोशियोलॉजिस्ट, उसके बाद हम उसको सोशल प्रॉब्लम कहेंगे, लेकिन जब सोशियोलॉजिस्ट उनका स्टडी करता है तो उस चीज को सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो देखते हैं, तो उसे सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम ही कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स द मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, द पर्सनल ट्रबल ऑफ माइल्यू एंड द पब्लिक इश्यू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सी डब्ल्यू मिल्स अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, इनका पावर इलिट जो 1956 में बुक पब्लिश हुआ है बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम को क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे लिख दीजिए पावर इलिट 1956, एंड दूसरा इनका बुक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में बेसिकली उन्होंने डिस्टिंक्शन ये किया है कि पर्सनल ट्रबल, किसी पर्सनल एक ह्यूमन बीइंग के जो पर्सनल ट्रबल है, पर्सनल इश्यूज है, अगर हम उनका स्टडी करेंगे तो ब्रॉड स्ट्रक्चर का जो इश्यूज है स्ट्रक्चर के, तो उनको पता लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर समाज में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट हो या कोई एम्प्लॉय हो या लेबर हो, उनको जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, तो यह उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका हम स्टडी करेंगे तो हमको पब्लिक इश्यूज क्या है उनका पता चलेगा, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। ये उनके सिद्धांत का मूल तत्व है कि पर्सनल ह्यूमन बीइंग का भी आप अगर स्टडी करेंगे तो उसके जो प्रॉब्लम, वो जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम पूरे समाज का है, ऐसा उनका कहना है। यानी और ये भी हम कह सकते हैं कि समाज के जितने भी प्रॉब्लम हैं, अगर उनको स्टडी करना है तो पर्सनल जितने भी ट्रबल्स है उनका आप स्टडी कीजिए, तब जाके आपको पब्लिक इश्यूज जो है सोशल स्ट्रक्चर्स के, उनके बारे में आपको पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन द फिल्म
रॉकेट सिंह इन द फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉकेट सिंह refuses to pay bribes to meet sales targets and is hence demoted, humiliated and ridiculed by his office boss and colleagues. This is an example of, take your time, the correct answer is role strain. देखो सिंपल है, जब आप कोई चीज करना नहीं चाहते और समाज वो चीज आपको करने के लिए मजबूर करता है तो बेसिकली आप क्या हो जाते हो, आप स्ट्रेन हो जाते हो, प्रेशर आता है, तनाव होता है आपको, आपके सामने ड्यूअलिज्म होता है, ये चीज करूं या ना करूं, करना तो आप नहीं चाहते लेकिन करनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे उस रोल को, उस रोल के सिचुएशन को हम रोल स्ट्रेन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर, इफ क्राइम एंड रिवॉल्यूशन आर सोशल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स फॉर सोशियोलॉजिस्ट वुड बी डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज लॉ एंड गवर्नमेंट. देखो डबल हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को. अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर, इफ क्राइम एंड रिवॉल्यूशन आर सोशल प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स फॉर सोशियोलॉजिस्ट वुड बी लॉ एंड गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली. कैसे? देखो क्राइम है और रिवॉल्यूशन है, ठीक है. क्राइम क्यों हो रहा है? क्राइम इसीलिए हो रहा है, सोसाइटी में लॉ अच्छा नहीं है, लॉ रॉन्ग है, इसीलिए सोसाइटी में क्या होता है, क्राइम होता है. तो सोशल प्रॉब्लम एज अ सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकता है? क्राइम ये नहीं हो सकता. तो वो होता है लॉ ठीक नहीं, इसीलिए क्राइम हो रहा है, ठीक है. और दूसरा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन जो सोशल प्रॉब्लम है ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट अगर किसी चीज को मानती नहीं है, अगर गवर्नमेंट पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा या कोई ग्रुप होगा उनके हितों के आड़े आ जाती है, उनके हितों के खिलाफ कोई एक्ट बनाती है या कोई उनके हितों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई काम करती है, तो क्या होता है, ये लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं. तो क्रांति बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ऐसे हम सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी इस पर्सपेक्टिव से करना चाहिए, ऐसा पीटर बर्जर मानते हैं. पीटर बर्जर एक अमेरिकन ऑस्ट्रियन सोशियोलॉजिस्ट है, उनका नोटेबल वर्क है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो 1966 में ये बुक पब्लिश हुआ है. इनको हम फेनोमेनोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, तो ये बुक आप लिख दीजिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, बहुत ही फेमस बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. डिफाइनिंग कल्चर एज वेब ऑफ सिग्निफिकेंस, डिफाइनिंग कल्चर एज वेव्स ऑफ सिग्निफिकेंस, क्लिफोर्ड गिड्स states that in understanding the term culture we need to short out the dash. Take your time. The correct answer is structure of signification. Repeat padte hain. Defining culture as waves of significance, Clifford Geertz states that in understanding the term culture, we need to short out the structure of signification. कई बार फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ते हैं तो उसी क्वेश्चन में हमको आंसर मिलता है, लेकिन ठीक तरह से न पढ़ने की वजह से जो इजी क्वेश्चन है वो भी हमारे से छूट जाते हैं.
तो ये बेसिकली क्लिफोर्ड गिज जो थे वो बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है अमेरिका के। इनका ठीक डिस्क्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही फेमस है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये ठीक डिस्क्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट है ये सोशियोलॉजी में भी हम इसको पढ़ते हैं एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी में तो पढ़ते ही है। तो नेट के आपके पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक डिस्क्रिप्शन, और सेट हो या गेट के अभी एग्जाम में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ये नोट कीजिए ठीक डिस्क्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है क्लिफोर्ड गिज ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग चारिस्मैटिक लीडर्स। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। चारिस्मैटिक लीडर्स माइट ओकेजनली अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ। चारिस्मैटिक लीडर क्या करता है, कभी कभी रूल ऑफ लॉ को तोड़ता भी है। ठीक है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने रूल को तोड़ा ही था। और सेकंड है, चारिस्मैटिक लीडर माइट ओकेजनली मोबिलाइज पीपल टू डिफाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 और MSQ मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन टाइप वेयर वन और मोर आंसर आर करेक्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं जो बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, वॉलंटरी एक्शन फॉर सोशल चेंज और टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज वॉलंटरी एक्शन फॉर सोशल चेंज और मेनली डेवलपमेंटल इन नेचर एंड मेयरली अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज फॉर द पब्लिक। देखो, वॉलंटरी एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है विलियम जेम्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। लिख दीजिए विलियम जेम्स, उनका जो फेमस बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो 1890 में पब्लिश हुआ है, इस बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। क्या होता है वॉलंटरी एक्शन? बेसिकली वॉलंटरी एक्शन इज एंटीसिपेटेड एंड गोल ओरिएंटेड मूवमेंट। देखो, आप स्टडी कर रहे हो, किसी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो आपने एंटीसिपेशन किया है कि नहीं, मेरे को नेट का एग्जाम क्रैक करना है या सेट का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपने गोल सेट किया है। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी जो कर रहे हो तो क्या है, पर्सनल होंगी, लेकिन ये गोल ओरिएंटेड मूवमेंट है। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा है, वॉलंटरी एक्शन फॉर सोशल चेंज क्या है, मेनली डेवलपमेंट इन नेचर, करेक्ट, एंड सेकंड मेयरली अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज फॉर द पब्लिक। ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, इन मार्क्स व्यू द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज इज पब्लिक और टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज लेबर एंड नेचर। मार्क्स के हिसाब से वैल्यू का जो सोर्स है बेसिकली क्या है, वो लेबर है और नेचर है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्की। यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट जो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से हमको देखना है इस चीज के लिए, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्की। टेक योर टाइम।
करेक्ट आंसर इज अचीव्ड स्टेटस एंड एक्सोगामी. देखो फ्रेंड्स, अचीव्ड स्टेटस एंड एक्सोगामी ये क्लास सिस्टम का कास्ट क्लास सिस्टम का ये फीचर है. अचीव्ड स्टेटस और एक्सोगामी. एक्सोगामी का क्या मतलब है? एक्सो यानी कि बाहर, गैमी का मतलब है मैरिज यानी कि इंटरकास्ट मैरिज. देखो फ्रेंड्स, सीधी बात है, कास्ट सिस्टम में इंटरकास्ट मैरिज अलाउ है क्या? नहीं. तो कहाँ पर है? क्लास सिस्टम यानी कि हम मॉडर्न सोसाइटी में, बेसिकली इमर्जिंग मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, इन सिटीज में अभी एक्सोगामी का ट्रेंड है, जहाँ पर कास्ट के बेस पर नहीं बल्कि आपके पास कौन सा आपका क्लास है, आपका स्टेटस क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से यहाँ पर सोशल रिलेशन मेंटेन होते हैं. तो ये अचीव्ड सोसाइटी है. अगर आप कोई चीज अचीव करते हैं तो क्लास आपका ग्रो हो जाता है. तो कास्ट सिस्टम का ये दो फीचर्स है बेसिकली, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन नॉर्म्स. प्यूरिटी पोल्यूशन जो कास्ट सिस्टम में पाया जाता है, और ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन. ये लिख दीजिए. क्वेश्चन नंबर 34. मुनीब रिहान वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज बट एनरोल्ड फॉर पीएचडी इन विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी एज हिज गर्लफ्रेंड वॉज स्टडिंग देयर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ सोशल एक्शन. टेक योर टाइम. Correct answer is option number C, that is emotional and affective. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. मुनीब रिहान वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज. मुनीब रिहान हायर स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है बट एनरोल्ड फॉर पीएचडी इन विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी एज हिज गर्लफ्रेंड वॉज स्टडिंग देयर. मुनीब रिहान हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है बट विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वहां पे पढ़ती है. तो बेसिकली वो क्यों गया वहां पे? पर्पज रैशनल है क्या? नहीं है. ट्रेडिशनल रैशनल है क्या? नहीं है. तो क्या है वो? इमोशनल है, लगाव है उसका, और अफेक्टिव है. बेसिकली टाइप ऑफ एक्शन ये जो थ्योरी है मैक्स वेबर ने दी है, तो इसमें मैक्स वेबर ने फोर टाइप बताए एक्शन के. तो इसमें आप ये स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. तो पहला है जो है रैशनल एक्शन. इसमें रैशनली पर्पजफुल एक्शंस इसमें होता है जो गोल ओरिएंटेड होता है. फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी में जो भी एक्शंस ब्यूरोक्रेसी में होता है क्या होता है? वो गोल ओरिएंटेड होता है. यह नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल आप एग्जाम लिख के आते हो तो एग्जामिनर ये चेक नहीं करता कि आप किस जाति से हो या किस क्लास से हो या आप कितने अच्छे हो या आप कितने बुरे हो, ये तो नहीं देखता हो. वो खाली इतना देखता है कि कितने आंसर आपके करेक्ट आए हैं और कितने रॉन्ग आए हैं. तो इसको हम जो एक रैशनल एक्शन यानी कि रैशनली पर्पजफुल एक्शन में कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. तो सेकंड है वर्ड रैशनल यानी कि वैल्यू रैशनल एक्शन. वैल्यू रैशनल एक्शन जो होता है तो इसमें बेसिकली हम वैल्यूज को माइंड में रख के कोई भी काम करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को रोड क्रॉस करना है तो हम
उसका उनका रोड क्रॉस करा देते हैं। तो इसके साथ हमारा क्या होता है, वैल्यूज होता है, या किसी को हम डोनेशन देते हैं, या एनजीओज जो काम करते हैं विडोज के लिए या ऑर्फन के लिए, तो बेसिकली उनका पर्पस उस एक्शन के टाइम पे क्या होता है, वैल्यू और रैशनल होता है, ठीक है। थर्ड है अफेक्टिव एक्शन, अभी मुनि ब्रिहान का हमने उदाहरण देखा इसमें, तो इसमें वो आता है, या मदर चाइल्ड का जो रिलेशन है ये भी अफेक्टिव एक्शन में आता है, अफेक्शनल ओरिएंटेशन भी इसमें होता है बेसिकली। और फोर्थ है ट्रेडिशनल एक्शन, तो इसमें इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टम एंड हैबिट्स, दिवाली को हम दिए जलाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, या और कोई त्यौहार के टाइम पे हम वो चीज़ें फंक्शंस का पूरा सेटअप करते हैं। ये बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन हमारे जो कस्टम्स है उनको हम आगे लेके जाते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, तो वो अपना क्या हो गया, ट्रेडिशनल एक्शन हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। बहुत ही फेमस ये थ्योरी, एक्शन थ्योरी, मैक्स वेबर का। क्वेश्चन नंबर 35, द गुजरात रॉइट ऑफ 2002 वेयर वाइडली परसीव्ड एज रिवेंज फॉर द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट। According to Durkheim, revenge killing indicate a belief in, take your time, the correct answer is B, that is repressive law, and D, that is retributive law. देखो फ्रेंड्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसी में इसका अर्थ जो मीनिंग है यह इंक्लूड है। जैसे कि रेस्टिट्यूटिव लॉ, रेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, रिस्टोर करना। दुर्खाइम यहाँ पे एक चीज दुर्खाइम ने बताई थी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। बेसिकली दुर्खाइम का यह कहना था कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी वहाँ पे जो लॉस थे वो काफ़ी बारबैरिक लॉ थे, तो अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो फिजिकली पनिशमेंट, जिसने वो जो क्राइम किया है सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से उसको पनिशमेंट देते थे। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो सेम उसको उसका मर्डर करके ही पनिशमेंट दी जाती थी, उसको रिप्रेसिव लॉ कहते थे, यानी कि वो कोर्सिव था, ब्रूटल था, और रिट्रीब्यूटिव लॉ कहते थे, यानी कि पनिशमेंट थी इसमें। और जो रेस्टोरेटिव लॉ है जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में आता है, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में देखे जाएंगे कि बेसिकली फांसी बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि उनको सुधारने का एक मौका भी दिया जाता है कि ताकि जो उन्होंने गलती की थी बाद में वो गलती ना करे, वो समाज के हित में कोई आगे जाके काम कर सके, इसीलिए उनको सुधारने का प्रयास ऑर्गेनिक मॉडर्न सोसाइटी में किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में ये हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो रेस्टिट्यूटिव लॉ और रिस्टोरेटिव लॉ को। तो गुजरात राइट 2002 में जो हुआ था वो इसमें क्या दिया है उन्होंने, रिवेंज फॉर गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट। तो जब रिवेंज यहाँ पे आता है तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि रिस्टोरेटिव लॉज और रेस्टिट्यूटिव लॉ में रिवेंज नहीं होता, तो रिस्टोर करने का प्रयास होता है, लेकिन रिप्रेसिव लॉ और ब्रूटल लॉ में पनिशमेंट करने का, एज इट इज पनिशमेंट करने का प्रयास होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म और टर्म्स आर एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ अलाइनेशन, टेक योर टाइम।
आंसर इज स्ट्रेंजमेंट एंड स्पेसिज्म। बेसिकली दोस्तों कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो वर्कर्स है, काम करने वाले मजदूर है, वो अलाइनेट हो गए हैं। स्ट्रेंजमेंट का भी मीनिंग अलाइनेशन होता है। तो अलाइनेट हो गए हैं कौन से चीज़ों से, तो चार चीज़ों से वो अलाइनेट हो गए हैं। पहली बात तो वो फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन बना रहे हो, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि वो रोजमर्रा का काम वो दिन ब दिन वही काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो काम का तरीका है उससे वो अलाइनेट है, उससे भी उनका कोई लगाव रहा नहीं है। तीसरा है फ्रॉम देयर स्पेसिजेंस, वो काम कर कर के, हम बोलते हैं ना कि एक कंटिन्यू अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हो गधे की तरह, तो उससे आपको ना तो खुशी मिलती है, ना उससे आप कोई क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो आप जब खुद से ही अपना लगाव जो है वो मिटा देते हैं, अलाइनेट होते हैं, तो उसे हम फ्रॉम देयर स्पेसिजेंस इसमें इंक्लूड करते हैं। एंड फोर्थ है फ्रॉम अदर वर्कर्स, उनके साथ के वर्कर्स से भी वो अलाइनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द क्राइटेरिया गिवन बिलो फिट्स द डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट एज गिवन बाय एम एन श्रीनिवास। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल पावर एंड हाई पोजिशन इन द कास्ट हायरार्की। देखो, एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा जो विलेज है वहाँ का स्टडी किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने द रिमेम्बर्ड विलेज ये बुक लिखा है 1976 में। ये बहुत ही फेमस बुक है, लिख दीजिए 1976 में रिमेम्बर्ड विलेज। तो बेसिकली एम एन श्रीनिवास यह कहते हैं कि डोमिनेंट कास्ट हर गांव में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे एरियाज का अपने कंट्रीज में स्टडी किया है, तो डोमिनेंट कास्ट के उन्होंने कुछ फीचर भी बताए हैं कि जैसे पॉलिटिकल पावर जो है डोमिनेंट कास्ट के पास होती है, हाई पोजीशन रहता है उनका कास्ट हायरार्की में, उसके बाद न्यूमेरिकल उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और फिर वेस्टर्न एजुकेशन उनके पास ज़्यादा होता है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होता है, इसीलिए वो डोमिनेंट कास्ट कहे जाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने मैसूर में लिंगायत ओक्का लिंगा को डोमिनेंट कहा है, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कम्मा को डोमिनेंट कहा है, तमिलनाडु में गौंडर पडायाची एंड मुदलियार को डोमिनेंट कास्ट कहा है, केरला में नायर और महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को डोमिनेंट कास्ट कहा गया है, गुजरात में पाटीदार, नॉर्थन इंडिया में राजपूत, जाट, गियार एंड अहिर को उन्होंने डोमिनेंट कास्ट कहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए डोमिनेंट कास्ट का, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। रीड द एक्सर्प्ट फ्रॉम एन आर्टिकल बाय आंद्रे बेतेले एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ध्यान से इसको पढ़िए और जो आंसर है इसके नीचे सॉल्व कीजिए। टेक योर टाइम। देखो फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर उन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। देखो, हम पढ़ने के बाद पूरा हमको पता चलेगा। श्रीनिवास बिकेम द लीडिंग एडवोकेट ऑफ द फील्ड व्यू एंड द सोशियोलॉजिकल अप्रोच बाय विच ही मीन्स एन अप्रोच बेस्ड ऑन ए केयरफुल एंड मेथोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जर्व और ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स।
इट डज नॉट ट्रीट रिलीजन एज बीइंग आइदर कंप्लीटली ऑटोनॉमस और एज इनवेरिएंट इटर्नल और अनचेंजिंग. द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वेरी एंड चेंज एंड दिस हैज टू बी एग्जामाइंड इन रिलेशन टू वेरिएशन एंड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. No religion operates independently of specific social arrangement, and Srinivas set out to show the two-way relationship between religion and social structure. This approach does not always find favor with religious belief. इसमें उन्होंने यहाँ पे कुछ दिया था लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सका है, तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, religion operates independently a specific social arrangement. तो यहाँ पे उन्होंने clearly mention किया है no religion operates independently of specific social arrangement, तो ये wrong जाएगा. Sorry. Second, there is a two-way relationship between social structure and religion. यहाँ पे आप देख सकते हैं M.N. Srinivas set out to show the two-way relationship between religion and social structure. तो ये करेक्ट है. ऑप्शन सी, सोशियोलॉजी डज नॉट ट्रीट रिलीजन एज अनचेंजिंग. तो यहाँ पे भी क्लियर उन्होंने मेंशन किया है, इट डज नॉट ट्रीट रिलीजन एज बीइंग आइदर कंप्लीटली ऑटोनॉमस और एज इनवेरिएंट इटर्नल एंड अनचेंजिंग. ठीक है, और ऑप्शन डी, सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट रिलीजन इज प्योर, जो यहाँ पे था लेकिन उन्होंने यहाँ पे मिस हो गया है, इसीलिए इसको हम क्लियर नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 39, रीड द पैसेज बिलो बाय मार्गरेट मीड एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. आई कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन the girls of the community. I spent the greater part of my time with them. I studied most closely the households in which adolescent girls lives. I spent more time in the games of children than in the council of their elders, speaking their language, eating their food, sitting barefoot and cross-legged upon the pebbly floor. I did my best to minimize the differences between us and to learn to know and understand all the girls of three little villages on the coast of the little island of Tau in the Manus Archipelago. Which methodologies or research technique are reflected in the above passage? Take your time. Friends, इसमें बेसिकली मार्गरेट मीड ने जो क्या किया है, उनके साथ खाना खाया है, बेयर फूट उनके साथ बैठी है, उनके जैसी लैंग्वेज उन्होंने बोलने का ट्राई किया है, पार्टिसिपेशन उनके साथ किया है. तो क्या होगा इसका आंसर? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है. और जब कोई सोशियोलॉजिस्ट हो या इथनोग्राफिक हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, जो कम्युनिटी के बीच में जाके, ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाके स्टडी करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इथनोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्रेजेंट इरविन गोपमैन्स ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव. टेक योर टाइम. Correct answer is option B, social life is performance carried out by teams if participant, and C, performance take place in the front stage, backstage and off stage. Basically, Irvin Goffman ने
ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव जो बताया है, जैसे कि ड्रामा में फ्रंट स्टेज में कुछ एक्टर्स एक्टिंग करते हैं तो बैक स्टेज में उसका वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उसी तरह से इरविन गोपमन कहते हैं कि सोशल समाज में जितने भी सोशल एक्शंस होते हैं तो इंडिविजुअल बेसिकली बैक स्टेज में उसका प्रिपरेशन करता है, और जब भी परफॉर्मेंस करने का टाइम आता है तो वो फ्रंट स्टेज में उनका अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करता है। तो उस ड्रामाटर्जिकल ड्रामा का जो इवेंट है उससे सोशल एक्शंस को कनेक्ट किया है इरविन गोफमन ने। उनका सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ये बहुत फेमस अप्रोच इनका इस चीज़ में है।